दुनिया भर में भगवान शिव के करोड़ों भक्त हैं, जो उनमें अपनी आस्था रखते हैं, उन पर विश्वास करते हैं कि वो हर समय उनकी रक्षा करेंगे। यूं तो ज्यादातर हिंदू धर्म के लोग ही भगवान शिव को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताने जा रहे हैं जो अंग्रेज था और वो भगवान शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा रखता था। उसका दावा था कि एक बार खुद भगवान शिव उसकी जान बचाने के लिए अफगानिस्तान चले गए थे। इस अंग्रेज की कहानी बेहद ही हैरान करने वाली है। ये कहानी साल 1879 की है। एक अंग्रेज अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल सी मार्टिन उस समय के मध्य भारत के आगर मालवा, जो कि फिलहाल मध्य प्रदेश में है, इलाके में तैनात थे। उस समय अंग्रेज और अफगानों के साथ लड़ाई चल रही थी। 1879 में ही लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन को सेना का नेतृत्व करने के लिए अफगानिस्तान भेजा गया। चूंकि उस समय पत्र के अलावा संदेश भेजने का दूसरा कोई साधन नहीं था, इसलिए कर्नल मार्टिन भी मालवा में मौजूद अपनी पत्नी को नियमित तौर पर पत्र लिखते थे और बताते थे कि वो ठीक है। कई महीनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इसके बाद कर्नल मार्टिन के पत्र आने बंद हो गए, जिसके बाद उनकी पत्नी भी परेशान हो गई। कर्नल मार्टिन का कुछ पता नहीं चल रहा था कि आखिर वो सुरक्षित है या युद्ध में मारे गए। एक दिन उनकी पत्नी परेशान होकर कहीं जा रही थी, तभी रास्ते में उन्हें भगवान शिव का एक मंदिर मिला। पता नहीं उसके मन में क्या आया, वो भगवान शिव के मंदिर के अंदर चली गई। उस समय भगवान शिव के मंदिर के अंदर आरती चल रही थी। इस दौरान पूछने पर मंदिर के पुजारी ने बताया कि ये भगवान शिव का मंदिर है और इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, शिव जो चाहे वो कर सकते हैं। पुजारी जी ने कर्नल की पत्नी को ओम नमः शिवाय का मंत्र दिया और कहा कि इस मंत्र को 11 दिनों तक जपना और हर रोज मंदिर आना, ये लघु रुद्रा अनुष्ठान है। कर्नल की पत्नी हर रोज महादेव के बैजनाथ मंदिर आती और वहीं बैठकर मंत्र का जाप करती रहती और भगवान शिव से अपने पति की रक्षा करने का वरदान मांगती रहती। इसी बीच कर्नल की पत्नी ने यह संकल्प लिया कि अगर उनके पति सही सलामत लौट आते हैं तो वो मंदिर का नवीनीकरण करवा देंगी। ठीक 11वें दिन चमत्कार हुआ और उनके पति यानी कर्नल मार्टिन का एक पत्र आया, जिसमें उन्होंने एक बेहद ही अजीबोगरीब और चमत्कारिक घटना के बारे में बताया। कर्नल मार्टिन ने पत्र के जरिए बताया कि हमारी सेना को अफगानों ने घेर लिया था, कई सैनिक शहीद हो गए थे, बचने के आसार नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने आंखें बंद की और भगवान को याद किया। तभी युद्ध भूमि में न जाने कहां से एक व्यक्ति आया, किसी योगी की तरह उसके लंबे लंबे बाल थे। उसने अपने हाथ में एक त्रिशूल लिया हुआ था। उसे देखते ही अफगानिक सैनिक तुरंत वहां से भाग खड़े हुए। इस तरह कर्नल मार्टिन की जान बची और उसके बाद वो अपने घर अपनी पत्नी के पास आए। घर आने के बाद कर्नल मार्टिन की पत्नी ने बताया कि उसने भगवान शिव से उनकी रक्षा करने की प्रार्थना की थी। वो उन्हें भगवान शिव के उस मंदिर में ले गई, जहां भगवान शिव की प्रतिमा देखते ही कर्नल मार्टिन चौंक गए। उन्होंने कहा कि ये प्रतिमा उसी व्यक्ति की है जो मुझे युद्ध के मैदान में बचाने आया था। अब कर्नल मार्टिन का भगवान शिव पर विश्वास इतना दृढ़ हो गया कि उन्होंने साल 1883 में 15,000 रुपए खर्च करके भगवान शिव के बैजनाथ मंदिर का पुनः निर्माण भी करवाया। इसके बाद दोनों पति पत्नी वापस इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड जाने के बाद दोनों पति पत्नी अपने घर में भगवान शिव की पूजा करते रहे और आजीवन भगवान शिव के भक्त बन गए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।